हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली 1 बजे हम लोग आ गए हैं अपने टाइम के हिसाब से. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को. हेलो, वेलकम एवरीवन. चलिए बच्चों, तो सेशन को स्टार्ट करें टोम के. और लगभग मुझे लगता है कि आज ये टोम का सिलेक्शन सीरीज़ का जो टॉपिक्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने सभी ले लिए हैं. ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम लोग कल से जो है कुछ नया प्लान करेंगे. इतने बजे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाएं लाइव. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलिए, वेरी गुड बच्चों. अभी 1 बजे सबको टाइमिंग पूरी तरह से नहीं पता होगा, इसलिए जो है वो लाइव धीरे धीरे आ रहे हैं. बट कोई बात नहीं, जब जब सेशन देखेंगे पता लगेगा कि अभी कुछ दिन जो है ये 1 बजे ही टाइमिंग रहेगी बच्चों. ठीक है, जब तक थोड़ा सा सब कुछ फिट नहीं हो जाता. क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने बच्चों, दैट इज एंटी स्किड सिस्टम्स आर अप्लाइड टू. जो एंटी स्किड सिस्टम्स होते हैं, मतलब जिसमें हमारी ब्रेक जो है वो सडन अप्लाई नहीं होती है, धीरे धीरे अप्लाई होती है, जिससे कि हमारी स्किडिंग की कंडीशन जो है वो ना आए, तो दैट इज कॉल्ड एंटी स्किड कंडीशन. तो एंटी स्किड सिस्टम्स आर अप्लाइड टू हैंड ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स या रेयर ब्रेक्स. तो यार ये बच्चों, ये अप्लाई होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ब्रेक्स में, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो है हमारा फ्रंट ब्रेक का, स्किडिंग का. ठीक है, बिल्कुल 1 बजे से रहेगा टाइम. तो दैट इज योर फ्रंट ब्रेक्स. बी विल बी दी करेक्ट आंसर. बी विल बी दी करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक इज कॉमनली यूज इन मोटर कार्स. मोटर कार्स में बच्चों कॉमनली कौन सा ब्रेक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं? मोटर कार्स में नॉर्मली कॉमनली हम लोग कौन सा ब्रेक सिस्टम जो है वो यूज करते हैं? तो वी ऑल नो दैट दैट इज कॉल्ड, हमारा ब्रेक सिस्टम होता है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, जिसमें हम लोग जानते हैं कि इस तरह का हमारा ब्रेक सिस्टम होता है, जिसमें हमारी जो है इस तरह के लीवर होते हैं, दो ऐसे लीवर. ठीक है ना, जो हमारे किससे अटैच रहते हैं, आपस में स्प्रिंग से अटैच रहते हैं, है ना. ये दो लीवर, इनमें क्या लगी होती है, ब्रेक लाइनिंग होती है बच्चों, इनमें ब्रेक लाइनिंग होती है, और ये हमारा ब्रेक ड्रम कहलाता है. तो ब्रेक ड्रम जो है वो हमारे व्हील के साथ अटैच होता है, और ब्रेक लाइनिंग जो है वो इस पर जब टच होती है तो ब्रेक ड्रम की स्पीड को कम कर देती है. और टच कैसे होती है, तो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वहाँ पर एक रोटेटिंग कैम लगी होती है, तो रोटेटिंग कैम जो है वो रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करेगी तो ये सीधी हो जाएगी, जब ये सीधी हो जाएगी तो ये ब्रेक लाइनिंग को दूर करेगी, ब्रेक लाइनिंग को दूर करेगी तो उससे हमारा ब्रेक ड्रम जो है वो रुक जाता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक सिस्टम. ये हमारा इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक सिस्टम है, जिसमें हमारी ब्रेक जो है वो इंटरनली एक्सपेंड होती है. ठीक है, तो यही हमारी जो है आपको देखने को मिलती है, ये ब्रेक ड्रम सिस्टम. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, डी विल बी द करेक्ट आंसर. आज आप में जोश नहीं दिख रहा है सर, आज जोश की तुमसे ज़रूरत है मुझे. ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी होगा दिन जिस दिन हमारे अंदर जोश नहीं होगा लेकिन आप लोगों के अंदर होगा, तो उस दिन ऐसे रिवर्स ट्रांसमिशन करो, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है ऐसे रिवर्स ट्रांसमिशन करो. क्लियर है? चलिए, तो दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर. बच्चों अभी तो बस समझो क्लास ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास छूट नहीं रही है, सुबह वाली भी हो रही है, ये भी हो रही है, तो बस क्लास होती रहे हालात जैसे भी हों. ठीक है, हाँ वहाँ शू ब्रेक आएगा इस टाइप का जो व्हील में लगता है. ठीक है ना, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर. ये याद रखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर हमारा इनमें से कौन सा है, प्रोनी ब्रेक, रोप ब्रेक, एपिसाइक्लिक या बोथ ए एंड बी. तो यू नो दैट कि दो टाइप के डायनोमीटर होते हैं. डायनोमीटर होते हैं क्या है, पहले डायनोमीटर वो होते हैं जो ब्रेक लगाने के साथ साथ क्या करते हैं, उस मोशन को ट्रांसमिट भी करते हैं या एब्जॉर्ब भी करते हैं, मतलब जो कैलकुलेट भी करके देते हैं कि कृष्णा कितना फ्रिक्शनल टॉर्क लगा है. तो वो कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, एक ट्रांसमिट करना कहीं और, या फिर एक हमारा क्या करना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब करना. तो यहाँ पे दो टाइप के डायनोमीटर हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप. तो पहला है हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टाइप, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तो जितने भी ब्रेक टाइप के होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज प्रोनी ब्रेक और रोप ब्रेक, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी. लेकिन एपिसाइक्लिक टाइप है, पुली टाइप है, ये क्या करते हैं, हमारे ट्रांसमिट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वो ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर होते हैं. ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर, बेल्ट एंड पुली टाइप डायनोमीटर,
और एक थरोनी क्राफ्ट ट्रांसमिशन टाइप डायनामीटर होता है, ये सब हमारे क्या, वो बेल्ट वाले पुली वाले को ही बोलते हैं थरोनी क्राफ्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांसमिशन टाइप, और रोप ब्रेक एंड प्रोनी ब्रेक जो है हमारे एब्जॉर्प्शन टाइप। क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, डी बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए, रोप ब्रेक डायनोमीटर आर यूज, रोप ब्रेक डायनोमीटर यूजेस, रोप ब्रेक डायनोमीटर क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑयल एज अ लुब्रिकेंट, वाटर एज अ लुब्रिकेंट, ग्रीस एज अ लुब्रिकेंट, या नो लुब्रिकेंट। तो याद रखिएगा, इसमें हमारा जो है रोप जो होती है हमारी ऑलरेडी वेट होती है, तो यहाँ पे किसी तरह की लुब्रिकेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो दैट इज अ नो लुब्रिकेंट। क्लियर है? थ्रोनी, थ्रोनी बच्चों बेल ड्राइव वाले सिस्टम को ही बोलते हैं थ्रोनी क्राफ्ट नाम से, ठीक है ना। बेल ट्रांसमिशन डायनामीटर जो होता है वही कहलाता है थ्रोनी क्राफ्ट ट्रांसमिशन डायनामीटर, THRONEY, थ्रोनी क्राफ्ट डायनामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नो लुब्रिकेंट को यूज करना है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लुब्रिकेंट। ठीक है, बस ये है कि हम रोप को जो है वो डैम्प रोप यूज करते हैं ताकि जो हमारा हीटिंग है वो कम हो सके, बाकी लुब्रिकेंट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो निकालने फ्रिक्शन टॉर्क है, तो लुब्रिकेंट को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आंसर नो लुब्रिकेंट को यूज करिएगा। ठीक है, द बायफिलर सस्पेंशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, बायफिलर सस्पेंशन बच्चों मैंने बताया था दो तरह के मेथड, दैट इज कॉल्ड बायफिलर सस्पेंशन एंड ट्राईफिलर सस्पेंशन। तो बायफिलर ट्राईफिलर सस्पेंशन किस लिए यूज होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का अगर हमारी कोई 2D बॉडी ऐसे इस तरह की बॉडी है रॉड जैसी, तो उसको हम दो एंड से बांध के उसको टर्न करके उसके जो रोटेशन होंगे उनको काउंट करके बायफिलर सस्पेंशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायफिलर सस्पेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। और जब कोई बॉडी प्लेनर बॉडी होती है तो उसको तीन रोप से बांध के दैट इज कॉल्ड ट्राईफिलर सस्पेंशन कहलाता है। तो दिस इज यूज टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बस बच्चों शायद एक दो दिन और लगेगा गला ठीक होने में, बस जैसे ही गला ठीक, मतलब वही वाली बात है, हमारा भी सिंगर जैसे ही काम है, सिंगर का गला ख़राब तो सब कुछ ख़राब, बस ये है कि सिंगर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, हम एटलीस्ट ख़राब गले से भी क्लास तो ले ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। फीवर तो शायद थोड़ी देर के लिए आया होगा एक ही रात में, लेकिन जो एकदम से वीकनेस आ जाती है ना, पैर वैर एकदम दर्द करने लग जाते हैं, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसको थोड़ा सा झेलें, तो बस वही मेन जो है डाउन कर देता है एनर्जी को, बाकी तो सब ठीक ही है। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम के को हम, ये तो हमने टेस्ट में भी लिया था बच्चों, क्वेश्चन ईजी है कि डबल करें पीरियड को हम लोग सिंपल पेंडुलम के, तो हमारी लेंथ क्या होती है, तो यू नो दैट टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो अगर हमें टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 times करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ क्या है अंडर रूट के अंदर है ना, तो 2π√L/g, तो एल को अगर 4L करूंगा तभी वो 2 बाहर आएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा टाइम पीरियड, तो दैट विल बी लेंथ शुड बी क्वाड्रपल, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, लेंथ विल बी क्वाड्रपल। ठीक है, तो डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज हैविंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो बच्चों सबको पता है जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रही है उसकी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का प्रोडक्ट, टाइम फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम पीरियड, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो दैट विल बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? घंटी बज रही है, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ रौनक। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन, हाउ डज एन ऑटो रिक्शा टेक्स अ शार्प टर्न, एक ऑटो रिक्शा जो है वो शार्प टर्न कैसे ले सकता है बच्चों, आपको पता है ऑटो रिक्शा में जो है वो डिफरेंशियल सिस्टम आपका यूज नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या पावर जो है वो एक ही व्हील पे ट्रांसमिट होती है, जब एक व्हील पे होती है तो उसी को घुमा के जो है आराम से शार्प टर्न लिया जा सकता है, तो दैट इज पावर इज ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील। घर की बेल, नहीं नहीं कुछ और आवाज आई होगी, तुम्हें बेल घर पे है ही नहीं, हमारे घर की बेल तो वैसे ही है जैसे 90% घरों की होती है ना, खराब टंगी रहती है लेकिन खराब, वो बस कुछ नहीं आवाज आती उसमें, तो वही है, तो दैट इज सी पावर ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन कहाँ गया, डी ऑप्शन नहीं है कोई ना, ना डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है सी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाय, तो बच्चों स्विंग कपल आप सभी लोग जानते हो जो हमारे लोकोमोटिव में जो हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है उसकी वजह से क्या लगता है हमारे सिस्टम में, स्विंग कपल। ठीक है, तो ऐसे में अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो फोर्स होता है उसकी वजह से, तो ऐसे में स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाय, उसको रोकता कौन है, इनर सेक्शन ऑफ द रेल्स, साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लैंजेस एंड ऑफ द व्हील, या बोथ ए एंड बी। तो बच्चों दोनों चीज़ें हैं, आपका रेल्स का इनर सेक्शन मतलब जो रेल्स है आपकी उसका इनर सेक्शन जो है वो, क्योंकि उस पर मोमेंट लग रहा है तो इनर सेक्शन रजिस्ट करता है, एंड साइड प्रेशर बिटवीन दी फ्लैंजेज ऑफ द व्हील, जो व्हील के फ्लैंजेज हैं जो साइड से व्हील को पकड़े हुए हैं वो साइड प्रेशर लगाते हैं जो। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कपलिंग रॉड लोकोमोटिव कैसे लगता है, जैसे ये व्हील है हमारा, ये व्हील है हमारा और ये हमारी रेल है, ये हमारी रेल है, ठीक है ना। तो व्हील जो है उसके ऐसे लगता है फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्स जो है वो एफ लगता है, और ये सेंटर से हम डिस्टेंस लें जो दैट इज ए बाई टू, तो ये एफ इन टू ए बाई टू मिलकर स्विंग कपल लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेम ये भी यहाँ से भी ऐसे लगेगा एफ, ठीक है। तो दैट इज एफ इन टू ए बाई टू, ये मिलके क्या लगाते हैं, स्विंग कपल लगाते हैं। तो इट कैन बी रजिस्ट बाय, इट कैन बी रजिस्ट बाय इनर सेक्शन ऑफ द रेल्स एंड द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील। तो ए एंड बी दोनों आंसर रहेगा यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी रहेगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्या एनएफसी में सेम क्वेश्चन आया था? बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं। देखो सिलेक्शन सीरीज में मैंने बोला ही बच्चों, सिलेक्शन सीरीज में वो क्वेश्चन नहीं है जो आसान हो या टफ हो, सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, वो फैक्टर जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो किसी भी शाफ्ट की जो क्रिटिकल स्पीड है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किससे होती है, एक तो जो घूम रहा है डायमीटर ऑफ अ डिस्क वो है, क्योंकि वही वर्लिंग कराएगा, ठीक है। स्पैन ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की लेंथ क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही वर्लिंग होगी, और इसेंट्रिसिटी जो है मतलब लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर। हैमर ब्लो तो होगा सर, हैमर ब्लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो बच्चों, जैसे हम अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ये बोला, तो हैमर ब्लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, भाई सिंपल सा याद रखो कि अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक के दो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक स्विंग कपल और एक ट्रैक्टिव एफर्ट, है ना। ट्रैक्टिव एफर्ट सिर्फ फोर्स की वजह से होता है, स्विंग कपल फोर्स इंटू डिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। और पर वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हमें मिलते हैं दैट इज कॉल्ड योर हैमर ब्लो, क्लियर है। क्लियर है डी, विवेक सिंह बिल्कुल बच्चों, रेगुलर स्टूडेंट है विवेक सिंह और एक अच्छा बच्चा है जो रेगुलरली टच में रहता है, पढ़ता है। जो भी बच्चा देखो रेगुलरली टच में है, पढ़ रहा है, दिख रहा है, वो दिख जाता है कि उसका नाम कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दिख ही जाता है आपको कि कहाँ पे क्या रिजल्ट देगा। द डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विंग कपल इज ड्यू टू द, स्विंग कपल इज ड्यू टू द टू सिलेंडर्स ऑफ लोकोमोटिव, पार्शियल बैलेंसिंग, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो स्विंग कपल किसके वजह से है बच्चों, दो सिलेंडर और लोकोमोटिव की वजह से, पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से, या सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो देखो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स तो हटा ही दो, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो क्या है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ठीक है, ठीक है ना, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से, पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से नहीं है, दैट इज टू सिलेंडर्स और लोकोमोटिव। तो यहाँ पे आंसर ए या बी हो सकता है बच्चों, लेकिन टू सिलेंडर्स और लोकोमोटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि टू सिलेंडर्स लोकोमोटिव हमेशा 90 डिग्री अहेड में होते हैं, तो वो तो ए के इफेक्ट में हमें दिख जाता है थीटा और 90+ थीटा पे। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी रहेगा करेक्ट आंसर। सॉरी मैंने ए और बी के बीच में बोला ना, ए बी नहीं बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी नहीं होगा, ए और सी बोलना चाह रहा था मैं कि ए और सी में से आंसर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। द पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स, पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब क्या है बच्चों, तो आपने देखा था कि जब हमने वाइब्रेशन, हमने बैलेंसिंग में 100% बैलेंस करने की कोशिश की थी मास को, तो हमने ये देखा था कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रही थी, बाकी सब कुछ ऐसा था, मतलब अनबैलेंस फोर्स जो अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक था वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक हो चुका था।
ऐसे में हमने देखा था कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे बेटर है कि आप पार्शियली बैलेंस करो, तो कम से कम परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक जो आएगा वो पार्शियल बैलेंस फोर्स आएगा, पूरा नहीं। तो इसलिए हमने लोड को बांट दिया था। तो वो कह रहा है पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स क्या है, बेस्ट बैलेंसिंग ऑफ इंजन, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, बैलेंसिंग पार्शियली द रिमूविंग मासेस, या ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। तो पार्शियल बैलेंसिंग मतलब है क्या बच्चों, पार्शियल बैलेंसिंग मतलब है बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, जो रेसिप्रोकेटिंग मास है उसको पार्शियल को ही बैलेंस किया हमने, 1/3 1/4 इतने मास को हमने बैलेंस किया है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी रहेगा मोस्ट करेक्ट आंसर। क्लियर है? डी नहीं बच्चों, ऑल ऑफ द अबव क्यों टिक कर रहे हो, ऑल ऑफ द अबव का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज गिवन बाय। तो बच्चों प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन टू थीटा बाय एन, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन, ये है बच्चों सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है ना। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन जो है वो है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो है वो है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, क्योंकि सबको पता है एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन होता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये बनता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन। तो ये कहलाता है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और ये कहलाता है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो हमें प्राइमरी पूछ रहा है तो दैट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो दैट इज बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी बैलेंसिंग इन लोकोमोटिव रिजल्ट्स इन, प्राइमरी बैलेंसिंग से रिजल्ट क्या निकल के आता है बच्चों, हैमर ब्लो, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, स्विंग कपल। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों ही चीजें जो हैं हमारे रिजल्ट में आती हैं, तो ए रहेगा करेक्ट आंसर। साफ साफ है, तीनों ही स्टार्टिंग दे दी है, दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये तीनों इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं लेकिन लोकोमोटिव में जब हम पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं, तो वही पूछ रहा है वो। क्लियर है? तो दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करने पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्स मस्ट बी बैलेंस, प्राइमरी कपल मस्ट बी बैलेंस, सेकेंडरी कपल मस्ट बी बैलेंस, या ऑल ऑप्शन आ करेक्ट। तो यहाँ पे तो बच्चों आंसर चिपक ही गया, ठीक है, छुड़ाते छुड़ाते भी चिपक ही गया। तो देखिए आंसर डी रहेगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझना होगा बच्चों सेकेंडरी फोर्स मस्ट बी बैलेंस, क्या सेकेंडरी फोर्स बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है? तो हमने बच्चों आपको कहा था कि बिल्कुल पड़ती है, लेकिन ध्यान रखें एट हाई स्पीड। अगर हमारा इंजन हाई स्पीड है तभी सेकेंडरी फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि उसमें कॉस टू थीटा बाय एन है। ठीक है ना, तो एन हमेशा ज़्यादा रहेगा तो जिसके वजह से वो फोर्स हमेशा कम रहता है, लेकिन जैसे ही ओमेगा बहुत बढ़ जाएगा तो एन का इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एन कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, एन इजिकल टू एल बाय आर है तो वो कॉन्स्टेंट है, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और ओमेगा का इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसे में सेकेंडरी भी काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए हाई स्पीड इंजन अगर है तो हमारा सेकेंडरी फोर्स भी बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आंसर जो है वो डी विल बी द करेक्ट आंसर करिएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ गया ना। तो प्राइमरी तो करना ही करना है, सेकेंडरी कपल भी करना ही करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक इज रेडिली एप्लीकेबल टू, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक इज रेडिली एप्लीकेबल टू प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस, बैलेंस बैलेंसिंग इफ इन लाइन इंजन, या प्राइमरी पार्शियल प्राइमरी बैलेंस। तो यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास, टू द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक, डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक का जो प्रिंसिपल है वो किस में किसके लिए एप्लीकेबल है? तो बच्चों डायरेक्ट और रिवर्स वही है कि सीधा डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्रैंक और उसके अपोजिट अनबैलेंस करना, मतलब उसे बैलेंस करना रिवर्स, तो वो हमारा तरीका पार्शियल बैलेंसिंग का ही है। तो दैट इज अ पार्शियल प्राइमरी बैलेंसिंग हम बोलेंगे उसे। तो दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी रहेगा फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड जो हुआ, क्रैंक इज रेडिली एप्लीकेबल टू प्राइमरी पार्शियल प्राइमरी बैलेंस, तो डी रहेगा इसमें करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ स्लाइडर स्लाइडिंग एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन अ लिंक विच इज रोटेटिंग एट 60 RPM इज सब्जेक्ट टू कोरिओलिस एक्सेलरेशन। कोरिओलिस एक्सेलरेशन आपको निकालना बच्चों। तो कोरिओलिस एक्सेलरेशन सबको पता है ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा वी होता है,
ठीक है, तो टू ओमेगा हमें नहीं पता है यहाँ पे, ओमेगा हमें एन दिया है, तो वी कैन कैलकुलेट 2π n/60 इंटू वी हमें दिया है, दैट इज 10 cm/s, तो निकाल लीजिए 2 × 2π n कितना है, दैट इज n कितना है 60 rpm/60 इज इक्वल टू 10π, तो 60 से 60 कैंसिल, तो 4 40π, 40π विल बी दी करेक्ट आंसर, 40π विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सब पेपर में आ रखे हैं, आराम से आप कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक्स व्हेन द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज 10। अगर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है हमारे पास 10 है, तो नंबर ऑफ लिंक बताइए कितने होंगे। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होते हैं, एन एन माइनस 1/2 10, तो दैट इज 20 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0, निकाल लीजिए बच्चों कितना। और ये सब छोड़िए, सबसे आसान क्या है तरीका, आप फैक्टर वैक्टर के चक्कर पड़े, उससे अच्छा ये है कि इन ऑप्शंस में से मैं यहाँ क्या रखूँ कि ये 10 आ जाए, बस सबसे आसान यही तरीका है। तो सिंपल है, 4 रखते हो तो 4 4 -1/2, दैट इज 4 12/2 6 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 रखते हो तो 5 5 5 1 5 और 20 22 10 आ जाता है, तो बच्चों साफ है आंसर विल बी 5, ठीक है, तो आंसर विल बी 5। तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑप्शन ही पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, तो बी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फ्लाई व्हील ऑफ अ सेफ स्ट्रेस, इफ द फ्लाई व्हील ऑफ अ सेफ स्ट्रेस इज 25 MN/m² एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 10,000 kg/m³, द मैक्सिमम पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होगी। तो जो डिजाइन ऑफ फ्लाई व्हील में आपको पेरिफेरल वेलोसिटी लिखना सिखाया हुआ है, बस लगाइए वी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बाय रो, वी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा बाय रो, तो बस आपको सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, सिग्मा इज 25 MN, तो 25 इंटू आपका मेगा न्यूटन, दैट इज इंटू 10^6 अपॉन 10,000, तो 4 तो यही हो गया 2500, तो 2500 मतलब 50 विल बी दी करेक्ट आंसर, 50 विल बी दी करेक्ट आंसर, सीधा आंसर। ये पहले करे हुए हैं आपने बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन, तो आप सीधा रटे पड़े होने चाहिए, आंसर आप सीधा कर पाएंगे, 50 विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी टोम के बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सीरीज में सब्जेक्ट को लेंगे। द फ्लाई व्हील ऑफ अ स्टीम इंजन हैज अ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2500 kg/m², इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन 0.6, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क निकालना है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, आई आपको दे रखा है, अल्फा दे रखा है, 2500 × 0.6 कर दो तो 250 × 6 कर दो, तो 250 × 6 कितना आ रहा है निकाल लो, सिंपल, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बच्चों, 250 × 6 कर दो कितना आ रहा है 1500, तो 1500 विल बी डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है, ठीक है ना, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। क्या पीछे चल रहा है क्या लाइव काफी। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ अ गवर्नर, हाइट ऑफ अ वार्ड गवर्नर इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल इज 100 rads/s, जी इज इक्वल टू 10 m/s². क्या पीछे क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है क्या, पर t इज इक्वल टू आई अल्फा है बच्चों, आई भी दे रखा है अल्फा भी दे रखा है, बस आप सिर्फ आई के यूनिट कर लीजिएगा बस, आपसे कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना। यहाँ क्या है 100 rads/s, तो दैट इज एंगुलर स्पीड आपको दी है 100 rads/s और g दिया है 10 m/s², ठीक है, आपको निकालना है हाइट, तो यू नो दैट बच्चों वार्ड गवर्नर के लिए g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, एच इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना, ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ पे, दैट इज जी 10, ओमेगा इज 100 × 100, तो यू नो दैट दैट इज 1000, तो 1/1000, ये क्या निकाला हमने मीटर में, ठीक है, ये निकाला हमने मीटर में, तो एमएम में 1 mm हो जाएगा, तो 1 mm विल बी दी करेक्ट आंसर, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, 1 mm ए विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो याद रखें, बड़ा बड़ा लिखें, इससे बड़ा क्या है, एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर बच्चों, सीधा फॉर्मूला है, सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला है, बस ये है कि थोड़ा तेज चल रहा हूं, नहीं बच्चों यूपीआर मिलकर टेस्ट सीरीज जो है वो 1 अगस्त से, मतलब 1 अगस्त कह रहा हूँ, 1st week of August में स्टार्ट होगी, मिड वीक में, ठीक है ना, तो 1 तारीख को संडे है, 2 तारीख को मंडे है, तो बस 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में स्टार्ट हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज, क्लियर है, 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में, ठीक है, आराम आराम से टेस्ट करते रहना ना, एक एक दो दो दिन का गैप छोड़ छोड़ के हम लोग करते रहेंगे,
ठीक है, फिर जितना भी खींचेगा भाई, जैसी डेट आएगी तब स्पीड बढ़ा देंगे, बस सिंपल सी बात। थैंक यू राकेश फॉर योर एफर्ट, फॉर योर लवली एफर्ट। बस बच्चों थोड़ा सा एनर्जी आने दो एक दो दिन में, फिर करते हैं ना धमाका वापस अपना, तेजी से और तेजी से कवर करते हैं। घबराओ मत आप, देखो रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, रेगुलर जो चीज़ चल रही है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलरिटी ना बने तब घबराने की जरूरत है कि अरे तबीयत खराब हो गई है वो। मैं भी सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि ठीक है रेगुलरिटी बनी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, जो मेन मेन क्लासेस वो चल रही हैं। बस बाकी तो क्लासेस क्या है कि किसी दिन तीन अचानक हो जाएंगे, किसी की एक दिन दो चार और एक्स्ट्रा लेके नहीं पड़ जाता है काम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी रेगुलर बना के रखें बस। बिल्कुल बच्चों न्यूमेरिकल सीरीज में सब कुछ होगा, मतलब आपके मैकेनिकल में जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल आते ही हैं वो सब होंगे, चाहे वो मैकेनिक्स बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ हार्टनेल गवर्नर 800 न्यूटन फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द स्लीव एंड मिनिमम रेडियस 1220 न्यूटन फोर्स इज एग्जर्टेड एट द मैक्सिमम रेडियस। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस में आपको हार्टनेल गवर्नर में कितना फोर्स लग रहा है वो दे दिया है। इफ द स्लीव लिफ्ट इज 20 mm द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस। तो बच्चों सबको पता है स्प्रिंग स्टिफनेस आप लोग कैसे निकालते हो, S1 - S2/H, स्प्रिंग स्टिफनेस इक्वल टू S1 - S2/H। तो यहाँ पे आपको फोर्स दे रखा है 1220, 1220 माइनस 800 अपॉन H कितना, दैट इज 20। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए स्टिफनेस कितनी आ रही है, यूनिट का कुछ चेंजेस करना नहीं है आपको, निकाल लीजिए स्टिफनेस कितनी आ रही है बच्चों। S1 - S2/H करना है बस, सिंपल निकाल लीजिए कितना स्टिफनेस आ रहा है। बताइए कितना आ रहा है आंसर, दैट इज 1220 - 800, 1200 में से 800 गए 400, 400 में से 20 गए 380, 380 डिवाइड बाय 20, 2129। कुछ गलत किया गया मैंने, कितना है ये 800 न्यूटन ही है। अच्छा वो एमएम में तो क्या दिक्कत है, न्यूटन पर एमएम ही निकालना है। 21 के आसपास आंसर आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली आंसर तो दिया नहीं है हमें, देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली आंसर, पहले भी लिया होगा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तब चेक किया ही होगा हमने, 21 ही आ रहा है ना। ठीक है 57 आ रहा है, 57 कहाँ से आ जाएगा भाई, विवेक सिंह क्या हो गया, 57 का तो कोई सीन ही नहीं है, 21 ही आ रहा है, 420, 420 डिवाइड बाय 20 दैट इज 21। तो आंसर बी रखेंगे बच्चों, बी करेक्ट आंसर रखेंगे। ठीक है ओके सर, उड़ीसा में जॉब नहीं है सर, हाउ नाउ आई एम वर्किंग इन बैंगलोर। ओके 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 ओके, कितना अच्छा है यार, बच्चे मतलब ना कितनी मेहनत करते हैं, रियली अप्रिशिएबल है यार, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग कितना कुछ प्लान करते हैं, कई लोग घर छोड़ते हैं, कई लोग कुछ छोड़ते हैं, दीज सेक्रीफाइस आर अल्टीमेट, मतलब बड़ा फील करता हूँ मैं तुम लोगों की लाइफ स्टूडेंट्स की ना, और जब फील करता हूँ तो बहुत कुछ ऐसा मन करता है कि यार सच में इस चीज़ को अपनी पूरी लाइफ देनी है और बेटर कुछ करने के लिए। रियली मैं अगर तुम लोगों के लिए कुछ बेटर नहीं कर पाया ना मैं इस पूरी लाइफ में, तो बेकार है फिर, मतलब मैं तो कहूँगा अपनी लाइफ ही बेकार है, अगर मैं सिर्फ अपने परिवार को पालने या इसके लिए, क्योंकि ये सर्वाइवल कोई भी कर सकता है बच्चों, अपने परिवार का, आप हो मैं हूँ कोई भी हो, मतलब अपने परिवार को पालने के लिए तो कुछ भी आदमी कर सकता है और वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन दूसरे के परिवार को सेट करने के लिए या दूसरों की लाइफ को अफेक्ट करने के लिए अगर हम कुछ काम कर पाए तो ही जो है वो लाइफ हमारी समझो सक्सेस में, उसी को कहूँगा सक्सेस है, बाकी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ये बताओ, है ना, या आपके पड़ोसी को क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके घर में बहुत पैसा है, तो मतलब आपका पैसा जो है वो किसी के काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपके काम अगर कुछ ऐसे हैं जो फ़र्क डालते हैं सोसाइटी में तो उसका लाइफ टाइम फ़र्क पड़ता है, तो बस वही चीज़ है। मैं तो बस लाइफ में एक ही एजेंडा है कि कुछ ना कुछ जाने से पहले इस लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दे के चले जाऊँ स्टूडेंट्स को, मतलब हमारा तो मेन थीम स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसा दे के चले जाऊँ, मजाक मजाक मस्ती वाला नहीं है ना, वो तो जीवन भर हम करते रहेंगे अपनी खुशी के लिए, लेकिन एक सीरियस इमोशंस के साथ क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिलीवर कर जाऊँ जिससे कि लाइफ जो है वो
एक मतलब हंसते हुए जाएं, बस वही वाली कौन सा गाना था वो, ए मालिक तेरे बंदे हम, यही था वो, मुस्कुराते निकले दम, ऐसा कुछ था ना लाइन, मुझे याद आ रहा। चलो जो भी है, कह रहा चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुए हमारे। चलो चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन समाप्त हुए। तो अब मैं कहूँगा बच्चों यहाँ पे टॉम कुक और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन सीरीज़ में, तो कोशिश करूँगा कल से ही जो एक नई कंसेप्चुअल सीरीज़ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन सीरीज़ में मेरे ख्याल से ठीक ठाक लेक्चर्स हो चुके हैं सारे, ठीक है ना, मोर देन मेरे ख्याल से 60-70 लेक्चर्स हो चुके होंगे टोटल सिलेक्शन सीरीज़ में, अभी तक ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एक पूरी प्रैक्टिस मैंने आपकी A to Z पिछले 2 महीने में करवा दी है, और ये एक बेसिक प्रैक्टिस थी जो बेसिक क्वेश्चन के साथ थी। तो मेरे हिसाब से अब थोड़ा गियर चेंज करेंगे और एक नई सीरीज में, जैसे आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक कंसेप्चुअल सीरीज लेके आएंगे, और उस कंसेप्चुअल सीरीज को हम लोग फॉलो अप करते हैं, जिससे कि चाहे मैंने कहा था उस 1 घंटे आधे घंटे में हम लोग 2 क्वेश्चन ही कर पाए, 4 क्वेश्चन ही कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें नॉलेज को गेन करने में हेल्प करेगा। और मतलब समझ लो सिर्फ बात कंसेप्ट की है, क्वेश्चन करने की बात नहीं है, बात होगी सिर्फ कंसेप्ट की कि हाँ ये कुछ नया सीखा, ठीक है, ताकि वो आधा पौना घंटा जो हम दें आप मेरे साथ उसमें कुछ ना कुछ नया लेके जाएं, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि कोई डेली इस सिलेक्शन सीरीज में, अभी तो 1 बजे का ही टाइम रखते हैं, इस सिलेक्शन नई सीरीज में, ठीक है, कुछ ना कुछ एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं मैं, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा है, या किसी ने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल वाइज नहीं पढ़ा है, या मैं कह सकता हूं मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। TADC के लिए आइस इंजन पढ़ना बच्चों, एक बेसिक पढ़ना है बच्चों, थर्मल लैग, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोई बहुत मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जैसे साइकिल्स हैं, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस है, बस वो पढ़ना है, बाकी नहीं। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं फिर कल के शेड्यूल के साथ, थैंक यू वेरी मच। लाइव क्लास का बच्चों आजकल जो टाइम चल रहा है वो यही है, दिन में रहेगी 1 बजे आपकी लाइव क्लास, और एक क्लास रहेगी, पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, दिन वाला कंसेप्ट अभी कुछ दिन के लिए ठीक है, 1 बजे रहेगा, और बाकी रात के 9 बजे तो फिक्स है ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।